Did anybody out there hear me? Hear me? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाती बिहारी माय क्लासेस में आज हम बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। माध्यम था माध्यम का दोनों एक ही बात हुआ, माध्यम क्या बोलिए या माध्यम बोलिए दोनों एक ही बात हुआ। तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसका पहले थ्योरी देख लीजिए। यदि n बराबर आपका विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या समझते हैं जो दो से नहीं कट रहा है, जैसे दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, ये सब आपका हो गया सम संख्या और दो का छोटा है, जैसे एक तीन पाँच सात, ये आपका सब यह हो गया विषम संख्या। तो ध्यान रखिएगा विषम संख्या किसको बोलते हैं और सम संख्या किसको बोलते हैं। तो विषम संख्या आ रहा है ना, विषम संख्या का पता लग गया होगा किसको बोलते हैं। चलिए आप इसको निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसका माध्यिका निकालना है। ठीक, यहाँ पर एक जब विषम संख्या रहेगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बटे टू, मतलब कि सम संख्या विषम संख्या में एक जोड़ देंगे और दो से भागा लगा देंगे तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में से जाना पड़ेगा। आरोही क्रम तो पढ़े होंगे बचपन में, ये आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ता कब है, छोटा से बड़ा होता है, मतलब पहले सबसे छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा लेना है, फिर उससे बड़ा लेना, उससे बड़ा लेना, बढ़ते जाना है, उसी को बोलते हैं आरोही क्रम। तो सबसे आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे, इसमें सबसे छोटा, सबसे छोटा इसमें कौन होगा बताइए आप सॉल्यूशन में, सबसे छोटा पहले कौन होगा इसमें सात, फिर उसके बाद कौन आएगा सात के बाद नौ, उसके बाद कितना आएगा सात के बाद कितना आएगा आठ, आठ के बाद कितना आएगा नौ, नौ के बाद कितना आएगा दस, दस के बाद कितना आएगा ग्यारह के बाद बारह, उसके बाद कुछ है हाँ एक और पंद्रह। तो सबसे पहले आपको यही फर्ज बनता है कि उसको आरोही क्रम में सजा लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आरोही क्रम में नहीं सजाएगा तो आंसर गलत आएगा, इसीलिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में उसको गिनेंगे कितना संख्या है, वो गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो बताइए सात विषम संख्या है या फिर सम संख्या है। तो अभी बता रहे थे कि जो दो से कट जाए वो सम संख्या और जो बच गया वो सब विषम संख्या हो गया। तो सात क्या दो से कटता है, सात दो से नहीं कटता, इसीलिए वो आपका विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या आएगा तो इस पर आपको बैठाना है एन प्लस वन बटे टू। हम क्या बोले थे, विषम संख्या में एक जोड़ देना है और दो से भाग देना है, यही तो ये किया है, विषम संख्या में एक जोड़ दिया और दो से भाग दे दिया। तो मेरा विषम संख्या एन बराबर आया कितना सात आया, गिने तो एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, एन का मान कितना है सात प्लस वन बटे टू, सात कितना गया आठ बटे टू, दो से काट देंगे चार, चार मान। तो बता दीजिए माध्यिका का चारवा चर मान कौन है, ये चौथा बोला ना, तो एक दो तीन चार, यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा दसवां, आदि क्या हो जाएगा आपका दस। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना, जब भी विषम संख्या आएगा तो उसमें एक जोड़ देना है आपको और दो से भाग देना है, क्योंकि उसको गिनती के रूप में लाना जरूरी है। कि सात के आधा करेंगे सात आए, सात बने दो करेंगे साढ़े तीन आएगा, साढ़े तीन को गिनती पे लोग गिनते नहीं है, गिनती तो गिनते एक दो तीन चार करके,
इसको गिनती करने के लिए इसमें एक जोर देते हैं ताकि आंख बन जाए और आंख में जोर से धागा देते तो चार आ जाता है। चौथा पद वही आपका, इसमें गिन लेना एक दो तीन चार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा पद। अब आते हैं, ये तो हो गया विषम संख्या के बारे में, अब आते हैं सम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। सम संख्या भी देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन है, सम संख्या पर आधारित है। तो सम संख्या में क्या करना है, यदि n सम संख्या हो तो n बटे 2 मतलब सर सम संख्या का आधार किसी भी संख्या में जब हम दो से भाग देते हैं तो वो आधा हो जाता है। तो जब n बराबर मान लीजिए कि कुछ भी रहे सम संख्या, यहाँ बोला सम संख्या, तो सम संख्या को आधा कर देंगे और फिर क्या करेंगे आधा में एक जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लीजिए n बराबर आपका 8 आया, 8 तो सम संख्या है, तो 8 बटे 2 कितना जाएगा 4, फिर यहाँ भी 8 बटे 2 कितना जाएगा 4 प्लस 1, यहाँ तो 4 आया आपका और यहाँ 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, मतलब 4वें और 5वें चर मानों का माध्य, और माध्य माध्य का फॉर्मूला होता है दोनों के बीच का मान, माध्य का वही ना होता है मतलब दोनों संख्याओं के बीच का मान, और बीच का मान निकालने के लिए क्या करते हैं उस दोनों को जोड़ देते हैं और दो से भागा दे देते हैं। तो देखिए क्या इसको ऐसे ही सजा दें, लो पहले क्या बोले था आपको, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है, सबसे पहले सबसे छोटे इसमें कौन है, देखिए गौर से 10 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 12, उसके बाद और आधा है यहाँ पर 13, उसके बाद कौन आधा है 15, उसके बाद 16, उसके बाद आ रहा है 17, उसके बाद आ रहा है आपका 19, उसके बाद आ रहा है 21, और कुछ नहीं ना लास्ट तो 21 ही करना है और तो इससे बड़ा नहीं है, 3 पिछोड़ हुआ था हो गया। तो आप देखिए ये तो आरोही क्रम में इसको सजा दिए हैं, अब गिनते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलिए 8 विषम संख्या है, सम संख्या है 8 सम संख्या है क्योंकि वो दो से कट रहा है इसीलिए वह सम संख्या हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n बराबर 8, तो अभी हम बताए थे ना कि n बराबर जब सम संख्या रहे तो क्या करेंगे n बटे 2 मतलब इस 8 बटे 2 का मतलब 8 में 2 से भाग दे देंगे, या फिर बोलिए 8 का आधा, 8 का आधा 4 ना होगा क्योंकि 2 से भाग देंगे 8 में 4 आएगा। अभी हम बता चुके थे ना आपको किसी भी संख्या में जब हम 2 से भाग देते हैं तो वो आधा हो जाता है, तो यहाँ पर भी तो 8 यहाँ पर भी तो 2 से भागा पड़ रहा था, ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या का आधा यहाँ पर 8 बटे 2 मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 4, काट देंगे तो बे और n बटे 2, n का मान कितना है 8 बटे 2 प्लस 1, बे चर मानों का मान, बे चर मानों का मान, यही हो जाएगा आपका माध्य का बराबर। तो देखते हैं यहाँ देखिए 2 चौके 8 चार आया ना, 8 का आधा 4 होता है, अभी हम बता रहे थे ना कि 2 से भागा दीजिएगा आधा हो जाएगा, तो 8 का आधा हो जाता है 4, यहाँ भी देखिए 2 से भागा देंगे 2 चौके 8 कितना हो गया यहाँ पर 4वे और 4 प्लस 5वे चर मानो का मान, तभी हम बता रहे थे माध्य किसको बोल रहे मतलब दोनों संख्याओं के बीच का मान। 4 में यहाँ 1 2 3 4 ये हो गया और 5 में, तो 4 के बाद 5 का कौन आया ये, तो ये 15 है और ये 16, 15 और 16 के बीच में क्या आता है आपका, तो 15 और 16 के बीच में 15.5 आता है। अरे आपको दिक्कत दे तो इसका माध्य निकाल सकते हैं, माध्य निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते होंगे, किसी भी सिर्फ ये दोनों का माध्य निकालना ना, तो ये दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या है, इसलिए ये दोनों को जोड़कर 2 से ही भाग देंगे। यदि 3 संख्या है तो 3 को जोड़कर 3 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या है तो हम इस दोनों को जोड़कर
दो से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए चारवे और पांचवे चर मानों का माध्य, चौथा कितना हो गया 15 और पांचवा कितना हो गया 16 बटे 2, 16 और 15 कितना हो गया 31 बटे 2, 31 का आधा कितना होता है 30 का आधा था 15.5, फिर 31 का आधा 30 का आधा था 15 और 31 का आधा 15.5, 15.5 मतलब 15.5 आपका आंसर हो जाएगा माध्य का बराबर। यही आंसर हो जाएगा 15.5। तो ये दोनों समझ आया होगा कि विषम संख्या है तो उसमें एक जोड़कर दो से भाग दे देंगे तो आपका जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और सम संख्या में क्या करते थे, डायरेक्ट उसका आधा करते थे, आधा करते तो फिर उसमें आधा में एक जोड़ते थे, उसी चर मानों का मान निकालते थे। जैसे कि यहाँ पर आया था ना 8 बजे 2 बजे 4 आ गया, जैसे फॉर्मूला आपको हमको याद नहीं रहे तो सम संख्या ध्यान रखिएगा, सम संख्या जैसे आएगा उसका आधा कर देना, यहाँ पर 8 आया तो 8 का आधा कितना हो गया 4, अब 4 में फिर एक जोड़ देंगे कितना हो गया 5, तो 4 पर 5 में मानों के बीच का मान देखना, तो एक देखिए यहाँ पर इसमें ना आएंगे 1 2 3 4, चौथा कितना हो गया 15 और पाँचवा कितना हो गया 16, तो 15 और 16 के बीच में क्या आता है बताइए, 15 और 16 के बीच में 15.5 आता है या नहीं, तो वही तो आपका आंसर। देखिए ऐसे निकालिए चार इसका मान निकाल लीजिए आपका आंसर वही आएगा, यदि आप डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि इसका बीच का मान क्या है तो वही आपका आंसर होगा, यदि निकालने नहीं आ रहा है तो आप इसका मान निकाल लीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मान निकाल के रहेंगे दोनों को जोड़ देंगे और दो संख्या ना था इसलिए दो से भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 15.5। आप देखिए बहुत स्टूडेंट लोग इतना कोरी होता है कि ये फॉर्मूला भी याद रखना नहीं चाहता, तो उसके लिए देखिए क्या है, उसके लिए भी बता रहे ट्रिक, तो उसके लिए देखिए कैसे ट्रिक है, तो आप एक चीज देखिएगा बीच वाला मान आ रहा है आपका आंसर, यहाँ भी देखिए आपका, हाँ यहाँ भी देखिए आपका बीच वाला मान आपका आंसर आ रहा है, देखिए 4 इधर 4 इधर 15 16 बीच में कितना आंसर है 15, यही आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए कैसे निकालना है, चाहे कोई स्टूडेंट हो चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो उसको तो आरोही क्रम में पहले सजाना ही पड़ेगा, तो आरोही क्रम में उसको सजा देंगे, पहले सजा देने के बाद क्या करेंगे देखिए गिनेंगे उसको पहले 1 2 3 4 5 6 7 सात आया, अब सात को क्या करेंगे देखिए 7 में 3 इधर चला गया और 3 इधर चला गया, 3 3 चल गया, बीच में आपका क्या बच गया 10, यही आपका माधिका हो जाएगा, माधिका आपका आंसर क्या हो जाएगा 10, समझ गए, मतलब डिवाइड कर देना है बराबर बराबर भाग में और जो बीच में जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जैसे 7 था तो 3 को इधर ले लिए और 3 को इधर ले लिए, बीच में क्या बच गया 10, तो वही आपका हो गया 10, नहीं कि क्वेश्चन में लेने लगेगा 3 लेने बीच में आया 15 तो ले लेना आंसर, उससे गलत हो जाएगा, आपको सबसे पहले आ रहा है सजाना ही पड़ेगा वो ही लेना है। अब आते हैं इस पर देखिए इसको भी आ रहा है सजा दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 8 आ गया, अब इसको भी डिवाइड करना है दोनों बराबर बराबर भाग में, देखिए आप 3 हमें ने ले लिए 1 2 3 3 को इधर खिसका दिए 1 2 3 3 को इधर खिसका दिए, बीच में बचा क्या 15 और 16 बचा, तो आप क्या कीजिएगा उस दोनों संख्या को जोड़कर दो से भाग दीजिएगा, तो 15 और 16 को जोड़ देना है तो 15 16 कितना आएगा 31, और 31 में जब दो से भाग देने का मतलब क्या होता है कि 31 का आधा कर रहा, तो 31 का आधा कितना होता है 15.5, नहीं आता है तो दोनों जोड़िए 16 और 15 31, 31 में दो से भाग लगाइए तो आपका आंसर हो जाएगा 15.5, दिक्कत ये बीच वाला मान ही आपका आंसर होगा, जैसे यहाँ पे बीच वाला मान आया 3 3 3 3 आपका बीच वाला मान आ गया 10, उसी तरह इसी प्रकार 3 3 3 3 बीच में आया कितना, बीच में ये दोनों बचा ना, ये दोनों नहीं ना लिख सकते हैं कोई एक ही लिखेगा ना, बीच वाला मान 15 और 16 के बीच में आपका क्या आता है 15.5, 15.5 जिसको आप डायरेक्ट आता होगा निकालने कि बीच वाला मान क्या है
तो वो डायरेक्ट निकाल कर आपका आंसर मार अपना आंसर मार सकते हैं, और जिसको नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, वो इस दोनों को जोड़कर दो से भाग देंगे, 15 16 को जोड़ देंगे और दो से भाग देंगे, 15 16 करना जाएगा 31, और 31 का आधा कितना होता है 15.5। कोई दिक्कत? तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे आपके क्वेश्चन बैंक से संबंधित, बहुत सारा वीडियो लाते रहेंगे, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हर एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, और जो भी वीडियो सबसे पहले बनाए वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।